सरकार ने मला हमारा फ्री सफर कर दिता पर सरकार प्रॉपर पैसा ही नहीं दे रही। लगता खजाने से घाटा भी हो रहा है ना? बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा खजाने दे विच घाटा रहा। साडा 80 तो 90 90 लाख रुपया एक एक पंप का देने वाला खड़ा। साडे डिपार्टमेंट दे विच टायर नहीं आ रहे, बसों का स्पेयर पार्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बाहरों कोई आमदन नहीं आ रही। बिना टेस्ट लै बिना ट्रेनिंग किए जो सरकार 28 ड्राइवरों को वक्-वक् डिपुआं दे विच भेज रही है, जो जिन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं, कुछ का ट्रायल नहीं होया कितने भी, पर वह अनट्रेन ड्राइवर हो सकता कि अनट्रेन ड्राइवर होना कि कोई दुर्घटना वापर जाए, कोई गलबात हंदासा वापर जाए, पर इसकी जिम्मेवार कौन है? फाइनेंस डिपार्टमेंट है जोड़ा, वो सानू पैसा नहीं दे रहा बीबिया का, क्योंकि करोड़ों के हिसाब में पैसा खड़ा उन्होंने को। नंबर दो, सरकार को असं बार बार कह रहे हैं, सरकार जो सत्ता के आई सी सरकार ने यह गल कही थी कि असी किसी भी विभाग के आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं करा, पर सरकार शरेआम आउटसोर्सिंग से भर्ती कर रही है। सामने ड्राइवर आ रहे हैं। सत श्री अकाल, मैं राघव जयंत, तुसी वेख रहे हो HNI। अज एक बार फिर तो पनबस के जो मुलाजम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लिए आए हैं। उन्हों का कहना है कि मान सरकार जेडे कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय तो कई वादे ने जेडे कि पूरे नहीं कर रही, तो हूँ भी एक कोई मंगा हैगी जिसनों लैके दोबारा वो जेडे कि है कॉन्फ्रेंस करने लिया है साढ़े गलबात करने लिए। चरण सिंह जी है, गलबात करेंगे। सर सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। सर की हो गया एक बार फिर तो जी कि प्रेस वार्ता तुम्हें करनी पई है? ये साढ़े अब पंजाब के सद्दे के वक्-वक् जिलों के प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब रोडवे पनबस PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन वालों की जा रही है। ये साडा मेन मुख्य कारण यह साडे विभाग के बिना टेस्ट लै बिना ट्रेनिंग किए जो सरकार 28 ड्राइवरों वक्-वक् डिपुआं दे विच भेज रही है, जो जिन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं, कुछ का ट्रायल नहीं होया कितने भी, पर वो अनट्रेन ड्राइवर। अं सरकार तो यह मंग करते हैं उन्हों का कितने ड्राइवरी टेस्ट लिया जाए, कोई ट्रेनिंग कराई जाए, क्योंकि तुहानू पता अजकल फ्री सफर होने के कारण 100 तो प्लस सवारी बस के होंगी आ, हो सकता कि अनट्रेन ड्राइवर होना कि कोई दुर्घटना वापर जाए, कोई गलबात हंदासा वापर जाए, पर इसकी जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार तो सरकार ही है, पर सरकार इस चीज़ को सोच नहीं रही, क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं लै रही, अनट्रेन ड्राइवर भेज रही आ, जिन्होंने रोकण के असी वक्-वक् डिपुआं वालों आप वालों नोटिस भी दे चुके हैं कि ये ड्राइवर का टेस्ट लिया जाए और इन्हों की ट्रेनिंग कराई जाए। नंबर दो, सरकार को असी बार बार कह रहे हैं, सरकार जो सत्ता के आई सी सरकार ने यह गल कही थी कि असी किसी भी विभाग के आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं करा, पर सरकार शरेआम आउटसोर्सिंग से भर्ती कर रही है। तुहाडे सामने ड्राइवर आ रहे हैं, पर सरकार ने वादे झूठे किए, अजे तक एक भी वादा नहीं पूरा किया। सरकार ने कहा असी आने सार जिन्हें भी कच्चे मुलाजम कॉन्ट्रैक्ट से चाहे आउटसोर्सिंग से उन्होंने पक्का किया जाऊगा, सरकार ने वो भी पक्का नहीं किया। पिछले दिन ही साडी कैप्टन सरकार वेले साडा डायरेक्टर ऑफ बोर्ड की मीटिंग के मता पास होया सीगा, जिहदे विच साडी 30% तनखाह वधी सी और 5% सलाना एग्रीमेंट देने की गल की, वो साडी पिछले महीने अक्तूबर महीने के लगनी सी, वो भी सरकार ने नहीं लई, उस तो भी टाल मटोल कर रही है। एक निजीकरण नूं लैके वो की मसला है कि तुसीं कह रहे कि निजीकरण किया जा रहा? सरकार निजीकरण घवाड़ा लैके आई है। सरकार साढ़े PRTC और पनबस के किलोमीटर स्कीम बसा पा रही है, जो कि सारा सार सरकार का घाटेबंद सौदा ही बार बार कह रहे हैं कि किलोमीटर स्कीम की जगह सरकार अपने महकमे के बसा पावे, क्योंकि जो प्राइवेट मालक बस पाँगा 5 साल बाद प्राइवेट मालक की बस और 80 तो 90 करोड़ रुपया लैके जाऊगा, वो मालक लैके जाऊ, वो पैसे भी होंगे, उस तो बाद बस भी मालक की हो जाऊगी, क्योंकि सरकार जो अपनी बस पाँगी घट्टो घट 10 तो 12 साल रूट पर चलूगी और जो भी सरकार का भर्ती किया मुलाजम चलाऊगा, जे सरकार कंडम हो जाती है कंडम बस कंडम हो जाती है, कंडम होने तो बाद फिर सरकार की बस आ, पर जे प्राइवेट मालक पाँगा वो 5 साल बाद बस फिर मालक की हो जाती है। तुम प्राइवेट की गल की, प्राइवेट वाले तो खुद कल्प रहे हो, कहते जो भी महिलाओं जो कि फ्री किया वै तो साड़ी जी बस से कोई सवारी नहीं चढ़ती? बिल्कुल जी, सरकार ने फ्री सफ़र सहूलत दे दी, पर कुछ ना कुछ प्राइवेटों को सहूलत देनी चाहिए सी, क्योंकि सरकार जी आम पब्लिक आ लेडी सवारी रुझान ज़्यादा रोडवेज वालों हो जाता वा, तो प्राइवेटा वाले ने तो चीक मारनिया है, इस करके सरकार ने भी चाहिए थोड़ा जो कोई प्राइवेट को सहूलत देनी चाहिए आ, और सरकार ने मलावां दा फ्री सफ़र कर दिता पर सरकार प्रॉपर पैसा ही नहीं दे रही। लगता खजाने च घाटा भी हो रहा है ना? बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा खजाने दे विच घाटा रहा। साडा 80 तो 90 90 लाख रुपया एक एक पंप का देने वाला खड़ा। साडे डिपार्टमेंट दे विच टायर नहीं आ रहे, बसों का स्पेयर पार्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बाहरों कोई आमदन नहीं आ रही।
फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जिहड़ा वो सानू पैसा नहीं दे रहा बीबिया का क्योंकि करोड़ों के हिसाब से पैसा खड़ा उन्होंने को इस करके सरकार तो असीं मंग करते हैं जेकर फ्री सफर सहूलत देनी है पर सरकार डिपार्टमेंट नूं प्रॉपर पैसा भी देवे। पर ये उही सरकार है जिन्हें दावे किए कि साढ़े आने तो बाद धरने नहीं लगने तो अज असीं देख रहे टीचर भी धरने पर बैठे है किसान भी कई जगह धरने बैठे है तुसीं भी कह रहे जेकर तुहाडी मंग नहीं मंगी गई तो तुसीं भी जिहड़ी कि रोड जाम करोगे। बिल्कुल जी सरकार जिदा पहलियां सरकार लिफाफे छट दियां सी उदा ही सरकार ने झूठे लारे ला के और वादे करके आम मुलाजमान हत्थां विच लैके अपनी सरकार बना ली पर अज साडा सीएम दिसदा ही नहीं किते ना साडा ट्रांसपोर्ट मंत्री इत्थे संजीदा मुख्यमंत्री साहब वो गुजरात के इलैक्शनां दे विच बिजी आ कदी हिमाचल चल जांदे कदी गुजरात चल जांदे पंजाब दे विच किहड़े किहड़े तकड़े मटर हो रहे आ रोज़ दी रोज़ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ MLA ਕੋਈ MP ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੂੰ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਛੱਡੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਰਿੰਦੇ ਜੇ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਟ੍ਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਡੀਪੂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਡੀਪੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਊਗੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਜੈਨ, HNI।